हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। सो टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन व्हाट इफ इट फिनिशेस, लेसन नंबर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी ईवीएस बुक। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि एक बस जर्नी थी जिसमें हम लोग जा रहे थे, तो बस हमने फ्यूल के बारे में देखा, जो कि पृथ्वी में जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल फ्यूल्स हैं, वो कैसे हमें बचत उसकी भी कैसे हमें बचत करनी चाहिए, ये हमने देखा था। पूरा जानने के लिए यू हैव टू गो टू माय लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Now we will start from page number 116. और इसी बीच में आपको जितने भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज है, यू विल गेट दोज। लोग मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वन पोस्टर इज गिवन हियर, एक पोस्टर दी गई है, आप लोग देखिए। एक्चुअली हमें अभी जो कमिंग जनरेशन आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं आप लोगों के, उनको सिखाना है कि कैसे हमें सब चीजें को संभाल के रखनी चाहिए, कैसे हमारे पृथ्वी के पास भी बहुत लिमिटेड कुछ प्रोडक्ट होती है जो कि हमें बहुत ही बचा के यूज करनी चाहिए। इसके ऊपर इस लेसन में थोड़ा ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस पोस्टर में व्हाट वी कैन से, क्या क्या दिख रहा है, ए हैंगर में हैंग किया हुआ शर्ट्स, ये है एक लाइटिंग लैम्प कहा जाता था पहले, ये पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल से ये सारे चलाए जाते हैं। वेयर आई एम यूज एज केरोसिन एंड एलपीजी फ्यूल को केरोसिन और एलपीजी के हिसाब में भी हम लोग यूज करते हैं टू रन मशीन, कोई भी जनरेटर हो या कोई भी मशीन, बोरवेल का मशीन हो तो वो भी फ्यूल से ही चलती है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स ऑल्सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होती है, प्लास्टिक और पेंट्स भी। सेव फ्यूल मेक इट ए हैबिट, तो हमें फ्यूल सेव करने का एक हैबिट बना लेना चाहिए। सी द पोस्टर एंड राइट, इसी पोस्टर को देखते हुए आप लोग दो प्रश्न दिए हैं, उसका आंसर आपको लिखने हैं। वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, ऑयल यानी कि तेल, तेल किसी भी तरह के जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कहाँ यूज होती है। यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, एज केरोसिन एंड एलपीजी टू रन मशीन्स एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। हम लोग बहुत काम में, इस पोस्टर में जितना भी दिखाई दे रहा है, सभी कामों में फ्यूल्स यूज करते हैं। ऑयल इज यूज, आप इस तरह से लिखिए, फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, एज केरोसिन एंड एलपीजी टू रन मशीन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डीजल यूज, फाइंड आउट। Diesel is used as fuel in vehicles such as cars, tractors, buses and trucks. It is also used in generators for electricity generation. Diesel, car, tractor, buses और trucks के अलावा electricity generate करने के लिए generators में भी use की जाती है। पता है कि petrol, diesel, kerosene वो different form of petroleum होता है, तो बच्चों को हमें यही सिखानी है बात। Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. We should always encourage our children to do something creative. इस लेसन को पढ़ के वे भी अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए कोई भी पोएम लिख सकते हैं, उनके मन में जो भाव आती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बच्चों को हमेशा लेसन को पढ़ने के लिए बोले। Who am I? I am black. I am thick. I flow. Who am I? Do you know? मैं काले रंग का हूँ, मैं बहुत ही थिक हूँ, यानी कि थिकनेस जो चिपचिपा होता है, मोटा होता है थोड़ा। क्या हूँ? कोल तार भी ऐसा होता है ना, पेट्रोलियम जो है वो इसी तरह का होता है, ब्लैक एंड थिक। I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. Fuel बहुत दिनों तक लास्टिंग करती है अगर हम लोग अच्छे से यूज करें, कम यूज करें, बहुत केयरफुली यूज करें। और मैं बहुत बनने में, फ्यूल्स को धरती के नीचे बनने के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत दिन लग जाते हैं, इसलिए ज्यादा यूज करने से
खत्म भी हो सकती है. आई लाइट योर लैम्प्स, आई कुक योर फूड, आई रन योर मशीन्स. कैरोसिन एंड डीजल आर यूज टू लाइट ए लैम्प और एलपीजी इज यूज टू कुक अ कुक फूड एंड टू रन ए मशीन वी यूज कैरोसिन और डीजल. Fly planes in the sky, who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? Yes, you are petroleum. Petroleum products. हम लोग प्लेन की सवारी करते हैं, उसमें भी फ्यूल लगती है, और प्लेन से हमारा कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया है. तो बिना फ्यूल के हम लोग चल नहीं पाएंगे. अगर एक दिन भी पेट्रोल हमें नहीं मिलता है तो हमारा घर का सब काम रुक जाएगा. अगर हमें एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है तो हमारा खाना बनना भी रुक जाएगा. सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दीज नेचुरल थिंग्स. थिंक एंड डिस्कस. What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अगर आपके गांव या टाउन में एक हफ्ते के लिए आपको पेट्रोल नहीं मिलती है तो क्या होगा? ये आंसर आपको डिस्कशन के लिए दी गई है ये क्वेश्चन. If petrol or diesel will not be available for a week in my area, the life will become difficult for everyone. The transport system would come to a standstill. Small or big factories will have to stop operation. There will be no electricity backup from generators in case of power failure. तो हमें बहुत दिक्कतें आ जाएंगी. जैसा कि पहले भी कहा, तो हमें बहुत केयरफुली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल अगर नहीं होती है तो गाड़ी, बस वगैरह, अपनी व्हीकल्स कुछ नहीं चलेगी. कोई भी मोटर वगैरह नहीं चला पाएंगे, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए जो इसमें जितने भी मशीन्स होते हैं उसमें केरोसिन या डीजल चाहिए ही होता है. इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी हम लोग जनरेटर से नहीं पा सकेंगे, तो अंधेरा हो जाएगा. सच सम वेज टू सेव ऑयल, कुछ ऐसा वेज बताइए जिससे कि हम लोग सेव कर सके तेल को. सम वेज टू सेव ऑयल आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस एंड ट्रेन्स इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स सच एज कार्स एंड बाइक्स. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए, बस और ट्रेन को, ना कि कार और बाइक को ज्यादा यूज करनी चाहिए. स्विचिंग ऑफ द इंजन्स व्हेन वी स्टॉप योर आवर व्हीकल्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स. ट्रैफिक सिग्नल में जब भी रुकते हैं तो हमें स्विच ऑफ कर लेनी चाहिए अपनी गाड़ी को, ताकि तेल बच जाए. यूजिंग सम अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एनर्जी सच एज सनलाइट, सोलर एनर्जी, दैट वुड लास्ट लॉन्गर. हमें जितना हो सके सोलर एनर्जी भी यूज करनी चाहिए. और भी कर सकते हैं, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा शुड बी सोक्ड इन वाटर बिफोर कुकिंग. हाँ, हमें जो भी हम लोग कुकिंग करते हैं उसको पहले सोक करके रखना चाहिए, तब हमारा गैस भी हम उस तरह से बचा सकते हैं. चूल्हा, चूल्हा के लिए दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा. हरियाणा के एक गांव में दुर्गा रहती है. एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा. चूल्हा जलाने के लिए उसे घंटों लकड़ियां चुननी पड़ती है, बिननी पड़ती है. हर डॉटर आल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस. उनकी बेटी भी उन्हें हेल्प करती है. फॉर द पास्ट 3 मंथ्स शी हैज अ कफ. और अभी 3 महीने से उन्हें कफ का प्रॉब्लम हो गया. देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्नड. जब गीला लकड़ी जलता है ना, तो उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है. बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? अगर खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी दाल वगैरह खरीदने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो वो wood खरीदेगी कैसे? तो उसे कच्चा लकड़ी ही जलाना पड़ेगा. Have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How were they made? क्या आपने कभी लकड़ियां इकट्ठा की है, करना पड़ा है आपको, या फिर आपने कभी काउडंग केक्स यानी कि उपला का यूज किया है या बनाया है? यह आंसर अपने ऑब्जर्वेशन से और अपने डिस्कशन के बाद ही आप लिख सकते हैं. अपने आप लोग अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए कि पहले के जमाने में कैसे हुआ करता था. आजकल शायद बहुत कम बच्चे ही होंगे जिन्होंने
काउडंका केक यानी कि उपला या फिर लकड़ी का चूल्हे में खाना बनाते हुए देखा हो, तो आप लोग उस बात को बच्चों तक पहुंचाइए और उनसे डिस्कस कीजिए। जो भी हमारे फ्यूचर जनरेशन में हमने जैसे भी हम लोग बड़े हुए हैं, जैसा भी एनवायरनमेंट था, वो भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों। आई हैव कलेक्टेड ड्राई वुड टू मेक अ बॉनफायर ड्यूरिंग विंटर्स। हाँ, हम लोग कभी कभी बॉनफायर करते हैं टेंट लगा के, उसमें थोड़ा पार्टी वगैरह भी करते हैं। आई हैव नेवर मेड काउ डंग केक्स बट हैव सीन सम लेडीज मेकिंग देम। हे इज मिक्स्ड विद काउ डंग एंड द मिक्सचर इज गिवन इन शेप ऑफ अ केक। जो खेत से वो धान वगैरह काटने के बाद रह जाता है, उससे काउ डंग के साथ उसको मिला के उसका केक बनाया जाता है। इट इज सन ड्राइड टू मेक काउ डंग केक्स और फिर सुखाया जाता है। उन्होंने कभी काउडंग का केक बनाते हुए नहीं देखा है, उनके लिए ये मैंने बताया है। Do you know anyone who collects dry wood or leaves to be used for lighting a chulha? आप क्या किसी को जानते हैं जो कि वो चूल्हा जलाने के लिए उन्हें लकड़ी इकट्ठा करना पड़े? Yes, if you have seen those type of people then you can write yes, or if you have not seen then you can directly write no. Yes, I have seen some people in villages collecting dry wood and leaves. I asked them and they said that they were collecting them for use as kitchen fuel but not for lighting. Wo light means roshni ke liye nahi balki khana pakane ke liye un sab cheezon ka use karte hain. Who cooks food in your family? What about other families in your area? Aapke ghar mein kaun khana pakata hai? और आपके घर के आसपास के लोगों के घर में कौन खाना पकाता है? इसके लिए आपको पूछताछ करनी पड़ेगी बच्चों को। आप लोग कहिए कि आसपास के लोगों के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखें। माय मदर कुक्स फूड इन माय फैमिली। इन अदर फैमिलीज माय इन माय एरिया द लेडीज कुक फूड। इन सम होम सर्वेंट्स आल्सो कुक फूड। इसी तरह का हमें देखने को मिलता है। इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला काउडंग केक्स व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक। अगर आपने देखा हो किसी को भी उपला या वुड से खाना पकाते हुए तो उन्हें क्या डिफिकल्टीज करनी पड़ती है? स्मोक फ्रॉम वुड और काउडंग केक्स क्रिएट्स मैनी डिफिकल्टीज लाइक कफिंग, नोजिया, हेडेक एंड लंग डिजीजेस। कई डिफिकल्टीज आ जाती है। कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? व्हाई नॉट। वुड के अलावा दुर्गा क्या यूज कर सकती थी? Durga can use cowdung cakes, but she cannot buy kerosene or LPG. वो kerosene और LPG खरीद नहीं पा रही थी, तो वो cowdung cake use कर सकती थी। She is too poor to buy fuel. Fuel के लिए वो बहुत fuel खरीदने के लिए वो बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। Okay, today about two by three. Okay, two third people in our country use uple wood and dry twigs. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home. Kerosene, LPG, coal, electricity. अभी हमारे देश में सिर्फ 2/3 people ही उपला या wood या dry twigs use करते हैं, क्योंकि वे लोग गरीब होते हैं। Okay, वे लोग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, घर में रोशनी करने के लिए भी उन्हीं सब चीजों का यूज करते हैं। कांचा हैज सीन ए बार चार्ट इन ए बुक। कांचा ने देखा एक बार चार्ट। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। उस चार्ट में दिखाया जा रहा था कि कैसे घरों में फ्यूल यूज होती है। इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज्ड एंड विच फ्यूल हैज डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। Change in fuel use over 20 years. इस सालों में changes क्या क्या हुए है chart में? How many houses out of 100 use? कितने घरों में use हो रही है यहाँ दिखाया जा रहा है, और year जो है कौन से साल में वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उपला एंड वुड जो है 80 से आगे 84 लोगों के घर में use हो रही थी 1976 में। LPG और kerosene की uses बहुत कम हो रही थी, 10% भी नहीं हो रही थी। कोल का यूजेस उससे भी कम हो रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज उससे भी कम हो रहा था। हमें इन सभी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जबकि हम लोग उपला और लकड़ियां बिना पैसों के भी इकट्ठा कर लेते हैं। हाउ मेनी हाउसेस आउट ऑफ 100 यूज इन ईयर 1996? तो 20 साल बाद 1996 में लोगों ने उपला और वुड जलाना कम कर दिया, लेकिन फिर भी इन तीनों से तो ज्यादा ही यूज कर रहे थे, 75%।
एलपीजी एंड केरोसिन बहुत घरों में आ गया। पहले 10% यूज कर रहे थे, फिर 18% लोग यूज करने लगे। कोल का यूज थोड़ा घट गया, पहले 5% था तो अभी 2% हो गए। इलेक्ट्रिसिटी का यूज थोड़ा बढ़ गया, पहले 1% था तो अब 5% हो गए। इन विच ईयर, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपला एंड वुड। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 84 हाउसेज आर यूजिंग उपला एंड वुड। Which was the fuel used the least in 1976? In 1976, the least uses what? Electric. In 1976, LPG and kerosene were used in 10 houses, and in 1996, this increased to 18. This means that in 20 years, their use increased by 80%. Out of 100, 5 houses are using electricity in 1996. Coal was used the least in 1996. In 1976, it was used in 5%. Find out from your elders. तो आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बच्चों के साथ इन सब बातों, इन सब के बारे में बात करनी है। When they were young, what was then used to cook food at home? जब आप लोग young थे, बच्चे थे, तब आपके घर में कौन सा fuel use किया जाता था? घर के सभी लोग discuss करें। When they were young, mainly coal was used to cook food at home. Apart from coal, firewood and cow dung cakes were also used. हाँ, जब मेरे मम्मी पापा भी यंग थे तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता था, लेकिन cow dung cakes यहाँ आसाम में नहीं बनती है। हाँ, firewood यूज किया जाता है, सिर्फ firewood, क्योंकि यहाँ पे वुड बहुत मिल जाते हैं। In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? अब ये पता लगाना है। Use of which fuel has decreased? कौन सा fuel आपके area में ज़्यादा uses बढ़ा है, कौन से fuel का कमा है? In the past 10 years, use of LPG and electricity has increased in my area. Use of wood, coal and upla has decreased. LPG और cooking food का जो है uses बढ़े हैं। Yes, the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 years. अब और नेक्स्ट 10 इयर्स में कौन से फ्यूल का यूज बढ़ जाएगा, कौन से फ्यूल का यूज कम होगा। ये सारी घटनाएं, ये सारे क्वेश्चंस पूरे इंडिया में थोड़ा बहुत एक जैसा ही आंसर सबका आता है। जैसे कि इन द नेक्स्ट 10 इयर्स यूज ऑफ एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज एंड यूज ऑफ वुड, कोल एंड काउ डंग केक्स विल डिक्रीज, है ना। सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादातर लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी आ ही चुका है। व्हाट वी हैव लर्न्ड, नाउ वी विल सी व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर। Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it. Draw a picture and color it. अगर आपको कोई भी कंपनी मिनीबस बनाने के लिए देती है तो आप किस तरह का बस बनाएंगे? मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतना EBS में पढ़ लिया है कि आप लोग जरूर एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी ही बनाएंगे।